नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी। नारायण भविष्यवाणी के खास कार्यक्रम नारायण ज्योतिष में आप सभी मित्रों का स्वागत है। बात करेंगे नवरात्रि के पावन पर्व के ऊपर, नवरात्रि के विशेष महापर्व के ऊपर क्या उपाय करने चाहिए और किस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए, किस विधि से आपको चलना चाहिए। मैं नवरात्रों की विधि आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों में आगे शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जय माता की। नवरात्रि पर्व और नया साल, नया संवत, जैसे आप समझते हैं कि नया साल आप 1 जनवरी को मनाते हैं हर साल, इसी प्रकार से जैसे कि अगर आप हिंदुइज्म से संबंध रखते हैं, हिंदू भाई बंधु हैं, तो आप होली मनाते हैं क्योंकि आप बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, आप दीपावली मनाते हैं, आप बड़े बड़े त्यौहार मनाते हैं, बसंत पंचमी मनाते हैं क्योंकि आप बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ। इसी प्रकार से हिंदू नववर्ष जो है वो चैत्र नवरात्रि के प्रथम नवरात्रि के दिन नया संवत शुरू होता है, यानी कि नया साल शुरू होता है। तो जो हमारा नया संवत है, सबसे पहले वो 2076 का जो नया संवत है, वो ईश्वरीय कृपा से, माँ भगवती के आशीर्वाद से इस साल 6 अप्रैल 2019 को नवरात्रि में शुरू हो रहा है। तो पहला नवरात्रा और नया संवत दोनों एक साथ 6 अप्रैल को शुरू होने जा रहे हैं। दोनों में विशेष बात यह है कि इस बार 5 सर्वार्थ सिद्धि योग है पूरे 9 दिन के अंदर, पूरे नवरात्रि के। और इस बार कुछ खास बात और भी है, नवरात्रि में जो घट स्थापना है, कलश की स्थापना का जो मुहूर्त जो विशेष रहता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा और आपको क्या दान पुण्य, क्या उपाय करना चाहिए, मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। और विशेष रूप से ये नवरात्रों में इस बार खास क्या है, मैं वो बताऊँगा और क्या उपाय विशेष करें, क्या विधि करें, वो विशेष बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपने नवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके माँ भगवती को ध्यान करते हुए घर का जो मंदिर है उसे साफ सुथरा करना है, वहाँ पे लाल रंग का कपड़ा बिछाना है, हो सके तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा बिछा करके ऊपर गणेश महाराज की और माँ भगवती का चित्र रखना है। एक आपने मिट्टी का कलश का अरेंजमेंट करना है और उसमें जौ, मिट्टी और जौ आपने साथ बोनी है। तो आपने मिट्टी और जौ का बहुत समावेश रखना है, उसमें थोड़ा गंगा जल भी रखना है। पूरी विधि विधान से जितनी श्रद्धा हो सके उतनी श्रद्धा से आपने ये पूरा कार्य करना है। इसमें विशेष आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले 6 अप्रैल शनिवार को प्रातःकाल 2 मुहूर्त हैं, एक सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का विशेष मुहूर्त है और दूसरा मुहूर्त दिन में दोपहर में 1:30 से लेकर दोपहर 3 बजे तक का विशेष मुहूर्त है। तो 2 विशेष मुहूर्त जो है, इस विशेष मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रातःकाल के समय में करना चाहिए, प्रातःकाल ही ज़्यादातर करते हैं। तो सुबह 7:30 से 9 बजे का कलश की स्थापना का बेस्ट मुहूर्त है। अब कलश स्थापना करने के लिए आपको थोड़ा गंगा जल डालना है, उसमें जो बीजने हैं अपने अपने घर में, जैसे कि आप हर साल लगाते हैं, जिनको जैसी विधि आती है, नहीं तो आप YouTube पे भी हमारा पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं, नारायण भविष्यवाणी में, एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण में, या नारायण एस्ट्रो इंडिया के नाम से भी आप हमें सब्सक्राइब करके पूरा प्रोग्राम दोबारा देख सकते हैं। अब करना क्या होगा, आपने लाल कपड़े के ऊपर माँ भगवती की एक चित्र रखना है, कलश की स्थापना करनी है, गणेश जी को आपने प्रार्थना करनी है, सबसे पहले गणेश महाराज की और उसके बाद में माँ भगवती की, नवग्रहों से प्रार्थना करनी है, कुल देवी देवताओं की पूजा करनी है। जितनी विधि आप कर सकते हैं उतनी कर लीजिए, ज़्यादा विधि नहीं आती तो जय माता दी बोलते जाइए, सारे काम ठीक होते जाएंगे माँ भगवती के आशीर्वाद से, कोई वहम करने की जरूरत नहीं है। हो सके तो 9 दिन तक अखंड ज्योति का इंतजाम कीजिएगा, अखंड ज्योत जलाएंगे तो बहुत सौभाग्य देता है, बहुत सफलता मिलती है, बहुत अच्छी बात है। और किसी कारणवश यदि आप अखंड ज्योति नहीं जला पाते तो आप सुबह और शाम 1-1, 2-2 घंटे वाली ज्योत जरूर 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 जलाइएगा। पूरे 9 दिन तक नवरात्रि में अगर आप व्रत करते हैं, बहुत व्रत की कई सारी विधि हैं, एक है पूरा जल पे रहना, कुछ भी नहीं खाना, दूसरा है आप जल के साथ में आप फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, तीसरा होता है कि आप एक समय भोजन कर सकते हैं, और भी बहुत सारी अलग अलग विधि से रखे जा सकते हैं जैसी जिनकी श्रद्धा होती है। व्रत के दौरान नॉनवेज ड्रिंक, अंडा, मांसाहारी किसी भी वस्तु का प्रयोग करना शास्त्रों में वर्जित है।
आपके घर में रसोई में भी अगर ऐसा सामान है तो आप बिल्कुल आज ही उसे निकाल दीजिएगा। नवरात्रि के अंदर आपने व्रत करने हैं, व्रत के साथ साथ में अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप दो व्रत जरूर कीजिएगा, पहला और दूसरा। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, पहला और आठवां व्रत कर लेते हैं, नौवें दिन भोग डाल देते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विधि से आप श्रद्धा भगवती से, श्रद्धा प्यार से आप माँ भगवती दुर्गा जी की 9 दिन तक पूजा करेंगे। अलग अलग रूप में भी पूजा होती है, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी ज़्यादा चक्कर में ना पड़ के आप सिंपल सीधे सीधे रूप से जाएंगे तो माँ भगवती का कल आपने खेती बीजनी है, मतलब जवारे जौ बीजनी है, जोत जलानी है, कलश की स्थापना सुबह 7:30 से 9 बजे के बीच में करनी है और घर में स्नान ध्यान करके माँ भगवती का गुणगान करना है प्रातःकाल के समय में। ये आपने विधि अपनानी है। अब ये इस नवरात्रि में खास बात क्या है, ये रेवती नक्षत्र में शुरू हो रहे हैं। रेवती नक्षत्र में शुरू होना अपने आप में खास बात है। दूसरी बात, 5 सर्वार्थ सिद्धि योग है इन नवरात्रों में। मकान की नींव रखनी है, आपने कोई बच्चे का विवाह शादी करनी है, कोई नया कारोबार शुरू करना है, नया कुछ आपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, नए कपड़े बनवाने हैं या कोई मकान की रजिस्ट्री करवानी है, नई घर की नींव रखनी है, नया बिजनेस शुरू करना है, कोई हेल्थ रिलेटेड नया आपने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, कुछ भी नई प्लानिंग है, कोई आपने विदेश जाने से संबंधित नई फाइल, वीज़ा फाइल लगानी है, नई PR के लिए कोई अप्लाई करना है, कोई फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई आपने नई अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, कोई म्यूचुअल फंड्स लेने हैं, या कोई आपने नई पार्टनरशिप करनी है, या आपने कोई लॉटरी का टिकट प्लान करना है, या आपने कोई माता पिता के नाम पे कुछ करवाना है, या गिफ्ट देना है या लेना है, या संतान संबंधी कोई विशेष कार्य करना है, वो सारे कार्य आप इन खास नवरात्रि में कर सकते हैं, क्योंकि इनमें 5 सर्वार्थ सिद्धि योग मुहूर्त हैं और 2 रवि योग बनते हैं। रवि योग अपने आप में खास हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग का अर्थ बता दूं, जिसमें सब कार्यों की सिद्धि हो। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आप सभी कार्यों में आपको जिसमें सफलता मिलती हो, ऐसे कार्य किए जा सके, वो सर्वार्थ सिद्धि योग कहलाते हैं। दूसरी बात मित्रों, नवरात्रि के अंदर इस बार अष्टमी और नवमी दो जो तिथियां हैं वो एक ही दिन इकट्ठी रहेंगी, यानी कि जो नवमी तिथि है वो अष्टमी वाले दिन प्रातःकाल शुरू हो जाएगी। लगभग इसका समय रहेगा प्रातःकाल लगभग 9:30 बजे का लगभग समय रहेगा, क्योंकि अष्टमी वाले दिन ही नवमी का भोग डलना है। तो नवरात्रि का जो भोग डलेगा, यानी कि जो अंतिम नवरात्रा रहेगा, वो 14 अप्रैल को मनाया जाएगा और उस दिन रामनवमी मनाई जाती है और पुख्या नक्षत्र रहेगा और भगवान राम का जो जन्म है वो भी पुख्या नक्षत्र के अनुसार दोपहर अपराह्न काल के समय में मनाया जाता है। तो आपने नवरात्रि के 9 दिन आपने विधि विधान से पूजा करनी है, श्रद्धा रखनी है। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके शादी में विलंब हो रहा है, वो इन नवरात्रि में व्रत जरूर करें, माँ भगवती से आराधना करें। आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो आपने 1 नारियल रोज लेना है और अपने विवाह की मनोकामना बोल के माँ दुर्गा जी के मंदिर में रोज चढ़ा के आना है। किसी कारणवश अगर लेडीज़ हैं आप मंदिर में नहीं जा सकते, अशुद्ध अवस्था के कारण, पीरियड्स के कारण, किसी और अशुद्धता के कारण, तो आपका माता पिता या भाई बंधु कोई भी परिवार का मित्र सखा आपके नाम का नारियल चढ़ा के आ सकता है। आपका कोई भाई बंधु मित्र परिवार का कोई व्यक्ति अगर कष्ट में है, कोई संकट में मुसीबत में है, तो उनके नाम का 1 नारियल आप रोज माँ भगवती को प्रार्थना करके सच्चे मन से चढ़ा के आए मंदिर में, अच्छी सफलता मिलेगी। आप एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशली के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई आपने कोई और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्लानिंग कर रखी है, तो आप इन दिनों के अंदर माँ भगवती को और माँ सरस्वती जी का रोज नमस्कार करना और 1 नारियल आपने सच्ची श्रद्धा से माँ भगवती को चढ़ा के आना है। हो सके तो माँ सरस्वती जी के सामने 1 पीले रंग का पुष्प रोज 9 दिन तक चढ़ाएंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा, सफलता आपकी बढ़ जाएगी। इन दिनों में ग्रह भी बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, और जो बात रही पाप ग्रहों की, बुरे ग्रहों की, माँ दुर्गा जी शक्ति हैं, शक्ति की पूजा करने से सभी ग्रह शांत होते हैं। माँ दुर्गा जी की पूजा करने से पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं, यक्ष राक्षस ब्रह्म राक्षस वैताल कुष्मांड देवी देवता असंख्य असंख्य शक्तियाँ जितनी भी हैं सब देवी के अधीन आती हैं। तो जो देवी की पूजा करता है 9 दिन तक, सारे संसार की सारी शक्तियाँ उस इंसान से प्रसन्न रहती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं।
तो मित्रों इस प्रकार से आपने 9 दिन तक रोज देसी घी की जोत जलानी है, रोज नारियल चढ़ाना है, माँ भगवती को लाल रंग के पुष्प चढ़ाने हैं। स्टूडेंट हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शादी विवाह चाहते हैं तो पीले रंग के पुष्प माँ भगवती को रोज चढ़ाएं, और एजुकेशन वाले व्यक्ति सरस्वती जी को रोज पीले पुष्प चढ़ाएं। अगर आपका व्यापार बंद पड़ा है, व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है या व्यापार में कंपटीशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो रोज़ाना गणेश जी को दूध का भोग लगाना है और घर के अंदर रोज गणेश जी की आपने आरती करनी है 9 दिन तक। पहले गणेश जी की करनी है, उसके बाद माँ भगवती की करनी है। इस प्रकार से दोस्तों आप ये 6 अप्रैल से शुरू होने वाले, यानी कि कल 6 अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले नवरात्रि का विधि विधान से आप पूजा कीजिएगा, सच्ची श्रद्धा से कीजिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। मैं आपका मित्र डॉक्टर नारायण आचार्य चंडीगढ़ से। दोस्तों आप मेरा यूट्यूब चैनल नारायण एस्ट्रो इंडिया और दूसरा हमारा टीवी चैनल है एस्ट्रो फ्रेंड नारायण नारायण के नाम से आप मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको रोज़ आपको नए नए वीडियोस, नए नए प्रोग्राम आपको देखने को मिल सके। फेसबुक पे भी आप मुझे नारायण एस्ट्रो इंडिया और नारायण भविष्यवाणी के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर नारायण आचार्य को मित्रों आज्ञा दीजिए, और आप अगर मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, हॉरोस्कोप से रिलेटेड डिस्कशन करना चाहते हैं, बिजनेस रिलेटेड अगर आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं या कोई भी ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं, तो आप मुझे चंडीगढ़ सेक्टर 33 में आकर के पर्सनली अपॉइंटमेंट, टीवी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहे हैं इन पर आप नंबर लेकर के आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज्ञा दीजिए। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण जी।